एक्सरसाइज 2.2, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस हमें दे रखी हैं, एक्स अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 4। एक्स एक्स वालों को साथ में रख लेंगे, प्लस का एक्स माइनस का एक्स चेंज हो गया है, नॉर्मल नंबर्स को एक साथ रख लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे हम, 2 और 3 का एलसीएम हो जाता है हमारा 6। 6 से यहाँ रखेंगे, 2 के टेबल में 6 आ रहा है हमारा 3 बार, यानी हमें x को यहाँ पर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3x आ जाएगा। 3 के टेबल में 6 कब आता है, 2 टाइम आता है, तो x को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा। इजिकल टू इस 4 और 5 का भी एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम 20 आएगा बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 5, 4 1 4, 5 और 4, 5 प्लस 4 अपॉन में 20 आ जाएगा। माइनस कर हमने x अपॉन 6 बचा इजिकल टू, इसको प्लस कर हमने 9 अपॉन 20 बचा। आगे बढ़ेंगे हम इसमें, x इजिकल टू डिवाइड का x 6 है हमारा, इधर जाएगा मल्टीप्लाई का हो जाएगा 6। 3 के टेबल से काटेंगे, 2 के टेबल से काटेंगे हम इसको, 2 5 20, x इजिकल टू 9 अपॉन 20 इंटू 6। 2 के टेबल से काटेंगे, 2 3 6, 2 10 20, 9 और 3 बचा हमारा, 9 3 27 अपॉन में 10 आ जाएगा। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, n अपॉन 2 माइनस 3n अपॉन 4 प्लस 5n अपॉन 6 इजिकल टू 21। 2, 4 और 6 तीनों का एलसीएम हम ले लेंगे, इसका एलसीएम 12 आएगा। आप एलसीएम लेके ज़रूर चेक करिए ना एक बार। 2 के टेबल में हमारा 12 आ रहा है 6 बारी में, तो n को 6 से मल्टीप्लाई करा, 6n आ गया। 4 आ रहा है हमारा, 4 के टेबल में आ रहा है 3 बारी में, तो हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9n आ जाएगा। और 12 यहाँ 6 के टेबल में 2 बारी में आ रहा है, तो हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 आ जाएगा इजिकल टू 21। प्लस प्लस की संख्या में प्लस कर लेंगे, 16 आ जाएगा। 10 में 6 प्लस करेंगे, माइनस का 9n इजिकल टू 12, 21। माइनस करेंगे 9 में 7n बचेगा हमारा, 12 अपॉन में आएगा 21। n को हम बाहर निकाल लेंगे, 20 इधर जाएगी ये दोनों संख्या तो उल्टी हो जाएंगी, 12 ऊपर पहुँच जाएगा, 7 को नीचे आ जाएगा, 7 1 7, 7 3 21। 12 को 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 12 3 36, एन की वैल्यू आ गई हमारी 36। आगे बढ़ेंगे हम, एक्स प्लस 7 माइनस एक्स 8x अपॉन 3 इजिकल टू 17 अपॉन 6 माइनस 5x अपॉन 2। एक्स एक्स को साथ में रख लेंगे, एक्स माइनस 8x अपॉन 3 प्लस माइनस का 5x प्लस का हो जाएगा, इधर आकर इधर 17, ये 7 प्लस का है माइनस का आ जाएगा, नीचे 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का 6 आ जाएगा, 6x आ जाएगा, 8 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा, 5 का 3 से करेंगे तो हमारा 15x आ जाएगा। 7 इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 7 7 16 7 6 6 7 45 अपॉन में 6 आ जाएगा। प्लस प्लस फिर से कर लेंगे हम, 21 प्लस एक्स माइनस 6x अपॉन 6 इजिकल टू माइनस 25 अपॉन 6। 21 से 6 माइनस किया, 5x 6 हो गया हमारा, माइनस करिए चलेगा, x बाहर निकाल लेंगे, ये उल्टा हो जाएगा इधर जाकर, 5 5 5 5 5 25 6 6 कट गया हमारा, आंसर क्या है माइनस का 5। अच्छे से दो तीन बार से देखिएगा आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्स माइनस 5 अपॉन में 3 इजिकल टू एक्स माइनस 3 अपॉन में 5। बहुत ही सिंपल है, 5x-5 कर लेंगे इसको हम, और 3x-3 ले लेंगे, कॉमन ले लिया हमने इसमें, 5x हो गया हमारा, 5 5 25 हो गया इजिकल टू 3x, 3 3 9 हो गया। एक्स एक्स वालों को सामने साथ में रख लेंगे हम, यहाँ पे हमने x की वैल्यू नीचे जाके निकालेंगे। यहाँ पर हमने ऐसा क्यों किया ये समझने के लिए आपको समझना होगा, हमने यहाँ कॉमन लिया है क्योंकि यहाँ 3 है यहाँ 5 है, क्रॉस में करा है हमने इसको, 5x से 3x को माइनस करेंगे, 2x बचेगा, 9x हमारा 9 माइनस का 9 है हमारा 25 हमारा यहाँ के प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 16 बचा, यहाँ 2x बचा, x बाहर निकाले हमने, डिवाइड करेंगे 2 16 हमारा 8 बारी में कट जाएगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा लंबे क्वेश्चन है, थोड़े से मुश्किल हैं,
दो तीन बार प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आएगा। 3t-2/4 -2t+3/3 = 2/3 -t। टी वाले देखिए हमने तीनों एक साथ रख लिए, इधर वाला टी इधर आ गया है, ये ऐसे आ गया हमारा 2, 4 और 3 का एलसीएम लिया हमने 12 आ गया है। 4 के टेबल में 12 3 बारी में आ रहा है, तो टी को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला 3 ऐसे आ जाएगा -2 (4). 2 को भी हम 3 को 3, 4 = 12 होता है, तो यहाँ पर हमारा 4 आ जाएगा, 2t आ जाएगा प्लस 3 आ जाएगा और 12 यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, तो 12 × 1 = 12 आ जाएगा = 2/3। सबसे पहले हम प्लस प्लस वालों को कर लेंगे, 90+ है 12t+ है, इसको हमने प्लस करा तो 21 आ गया। देन हम माइनस और प्लस वालों को कर लेंगे, पहले हम 8t लिख देंगे, tt वाला लिख देंगे, फिर प्लस माइनस 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 प्लस हमारा प्लस हो जाएगा, प्लस हमारा माइनस का 18 आ जाएगा, यहाँ पर हमारा प्लस का आएगा, ये सॉरी प्लस प्लस 18 हो जाएगा हमारा 2/3। ये नीचे का 12 यहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, 2 × 4 = 8। TT वालों को हम साथ में करेंगे, माइनस कर दिया हमने, 13 का टी आ गया = 8 हमारा है, ये प्लस माइनस का है, यहाँ कर इधर आकर हमारा प्लस का हो जाएगा, 26 आ गया, टी इधर निकाल लेंगे, 13 आ जाएगा अपॉन में, 13 × 13, 13 × 2 = 26। एक और क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6, m-m-1/2 = 1 - m-2/3। mm वालों को साथ में रख लेंगे, सिर्फ इसमें हमारा 1 ही एक अलग है, 1 हमारा इधर आ जाएगा, अलग हो जाएगा, 1, 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे हम, 6 आ जाएगा, फिर वही 1 के टेबल में 6 बारी में आया तो 6m, 2 के टेबल में 3 आएगा तो 3 बारी 3m, यहाँ पर इसको भी 3 से करा हमने, 3 आ गया, 3 के टेबल में 6 2 बारी में आ रहा है तो 2m, और इसको 2 से 2 = 4 = 1। प्लस प्लस वालों को कर लेंगे फिर से, 8 में प्लस करा 2 तो 2m आ गया हमारा, प्लस माइनस माइनस करा हमने, 3m आ गया, माइनस का हमारा 1 आ गया, माइनस माइनस वालों को कर लिया हमने साथ में, = 1। आगे बढ़ेंगे, 8m-3m = -1 = 2, ये हमारा इधर पहुंच गया है 6, 6 × 1 = 6, 8 में से 3 गए हमारे 5, -1 यहाँ चाहिए प्लस 1 आ जाएगा, m की वैल्यू हमारी आ जाएगी 7/5। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, 3(t-3) = 5(2t+1, 3 को मल्टीप्लाई करें, 3t, 3 × 9 = 2, 5 × 2 = 10, 5 × 5। TUT वालों को एक साथ रख लेंगे हम, 3t-10t = 5 - 9 + 9 हो गया, प्लस माइनस माइनस करा -70 = 5 में 9 को प्लस करा 14 आ गया, T बाहर निकाल लेंगे, माइनस का 7 नीचे आ जाएगा, 7 × 7 = 7, 7 × 2 = 14। क्वेश्चन जब आप करेंगे आपके खुद ही समझ में आएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, कुछ इसी तरह के जोड़े ज़्यादातर आएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, 15y-4 - 2y-9 + 5y + 6 = 0। बहुत लंबा सा क्वेश्चन है, ब्रैकेट वालों को मल्टीप्लाई करेंगे, 15y (15, 4 = 16 - 2, 2y (2, 9 = 18) + 5y (5, 6 = 30). प्लस प्लस वालों को, वाई वाई वालों को हमने साथ में कर लिया, यहाँ पर 20 आ गया हमारा, माइनस का 2y आ गया हमारा, वाई वाला आ गया, प्लस माइनस का 60 आ गया, प्लस का 18 आ गया, प्लस का 30 आ गया, = 0 हो गया। इन दोनों को साथ में रखा फिर से हमने, 16 - (+), प्लस को प्लस कर लिया हमने, 48 आ गया, 20 में से 2 को माइनस करा, 18y आ गया, माइनस प्लस माइनस माइनस करा 60 में से 48 को तो 12 आ गया। वाई बाहर निकाल लेंगे हम, इधर आ जाएगा हमारा मल्टीप्लाई है, बीच में ये हमारा मल्टीप्लाई था, इधर आके हमारा डिवाइड में आ जाएगा, 6 × 12 = 6, 3 = 18। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, 3(5z-7) - 2(9z-11) = 4(8z-13) - 17। 3(5)=15, 3(7)=21, ± - आ गया यहाँ पर, 2(9)=18, ± - आ गया, 2(11)=22, ± + आ गया।
टू एट ज़ा 32, प्लस 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 हो गया ये, टू 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 52 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ गया, और 17 का 17 ऐसे आ जाएगा हमारा। 15Z 8Z साथ में रख लेंगे, माइनस का 21 प्लस का 22 इजिकल टू 32Z, माइनस 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 प्लस कर लिया हमने इसको, 69 हो गया, 52 में 17 को प्लस करा 69 आ गया। आगे बढ़ेंगे, माइनस प्लस माइनस माइनस कर दिया हमने, 18 में से 50 गया, माइनस का 3Z प्लस 1 कैसा आया यहाँ पे, प्लस माइनस माइनस 22 से 21 गया, 1 आ गया इजिकल टू 32Z माइनस 69 ऐसे ही आ जाएगा। हम करेंगे अब हम जेड वालों को साथ में रखेंगे, माइनस का 3Z प्लस का 32 है यहाँ पर आएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस करेंगे 35Z आ जाएगा। इधर हमारा माइनस प्लस का 1 था, इधर आके माइनस का हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 17 हो गया। जेड बाहर निकालेंगे, 35 1 ज़ा 35 35 2 ज़ा 17 हमारा आंसर आ गया 2। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है। थैंक यू।